शंकराचार्य प्रतिशोध के भाव में अंधे हो चुके हैं, कुछ समझ नहीं। तो किसी को तो समझाना होगा ना उन्हें काना, किसी को तो उनकी आंखें खोलनी होगी, अन्यथा वो दोबारा ही अनर्थ करेंगे काना। वो अब ऐसा नहीं करेंगे, वो प्रेम से मान जाएंगे, बड़ी विनम्रता से। तो तुम जाकर समझाने वाले हो उन्हें? मैं नहीं, प्रेम की देवी राधा स्वयं उन्हें समझाएगी। राधा कैसे कान? और यदि राधा ने समझाया तो भी असुर गुरु शुक्राचार्य राधा की बात क्यों सुनेंगे भला? सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे। अब बस आगे देखिए तो सही क्या होता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे अभिषेक का समय हो गया है, तो मैं जा रहा हूँ वृंदावन। देखो तो कैसे नहाने बैठ गया है। मैंने इसके जन्मदिवस के लिए इतना कुछ किया और ये है कि मुझे अपना सत्य भी नहीं बताना। बालपन में मैं अपने लल्ला को उसके जन्मदिन पर दूध से नहलाती थी, आज इतने वर्षों पश्चात फिर वो ही करने का मन कर रहा है, अपने लल्ला को दूध से नहलाने का। केवल दूध से ही नहीं, आज हमारे काना का अभिषेक पंचअमृत से होगा। दूध, घी, दही, शहद और जल से। तो अभिषेक प्रारंभ करते हैं। रुक जाइए बाबू। क्या हुआ काना? मेरा अभिषेक होगा तो केवल जल से। किंतु क्यों काना? क्यों काना? तुझे तो दूध अति प्रिय है ना? वो बचपन था ना मैया, आज तो मैं बड़ा हो गया हूं, सब समझ तो रहा हूं। हाँ ये सत्य है कि हम गोपाल हैं, हाँ ये सत्य है कि गोधन से ही हमें दूध, घी, दही ये सब मिला है, जिसके कारण आज हम धनवान। किंतु तनिक सोचे, गौ माता को दिन भर घास खानी पड़ती, उसे पचाकर श्वेत बहाकर ये दूध बनाना पड़ता है, इतने परिश्रम से तो ये दूध बनता है। अब सोचिए यदि हम इस दूध को ऐसे ही किसी कार्य के लिए व्यर्थ कर दें, इस भोजन को ऐसे ही बहा दें, तो क्या ये गौ माता के परिश्रम का अपमान नहीं है? वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में दूध की कमी है, तो ऐसे में गौ माता को हम और पीड़ा क्यों दें? बताइए बाबा, क्या मैंने कुछ अनुचित कहा? नहीं काना, कुछ अनुचित नहीं कहा। मैं तो बस तुम्हारी बातें सुनकर हर्ष से अचंभित हो जाता। तो फिर ठीक है, काना का अभिषेक जल्द से ही होगा। राधा तुम भी आओ ना। नहीं मैया, आप सब कर रहे हैं ना,
पर्याप्त है। क्या हुआ राधा, कान्हा का जलाभिषेक क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं दाव, जब तक कृष्ण अपना वचन पूर्ण नहीं कर देता मैं तब तक कुछ नहीं करूंगा। ठीक है किंतु सोच लो राधा, क्या है कि साक्षात कान्हा का जलाभिषेक करने का अवसर बार बार नहीं आता ना, इसलिए। दाव, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अभिषेक कृष्ण का नहीं साक्षात नारायण का हो रहा है। क्या पता, कदाचित कदाचित अवसर मिले ना मिले जलाभिषेक। मुझे नहीं चाहिए ये अवसर, मैंने कृष्ण से पहले ही कहा था बरसाना के पुनर्वास और उसके जन्म दिवस के पश्चात मुझे उसका सत्य जानना है, किंतु देखो तो कैसे सबके मध्य जाके बैठा है, मेरी ओर ध्यान भी नहीं दे रहा है ये, ताकि इसे अपना वचन जो पूर्ण ना करना पड़े। राधा तुम्हारा अभिषेक नहीं करेगी। दाव, राधा अब जो भी करेगी उससे युगों युगों तक मुझे लड्डू गोपाल के नाम से स्मरण किया जाएगा।